साइंस फ्रॉम वेयर वी लिव इन प्रीवियस क्लास एंड एम्बिशियस प्लान टू सेव द रिवर कॉल्ड द गंगा एक्शन प्लान। तो दोस्तों आज हम जानेंगे गंगा एक्शन प्लान के बारे में कि गंगा एक्शन प्लान क्या बनाया गया जिससे हम गंगा को साफ कर सकते हैं, जो गंगा गंदी हो रही है रिवर। गंगा कार्य परियोजना 1985 में इस नदी को बचाने के लिए 1985 को इस नदी के बचाने के लिए एक महत्वाकांक्षा परियोजना आरंभ की गई जिसे गंगा कार्य परियोजना कहते हैं। वॉज गंगा एक्शन प्लान वॉज लॉन्च इन 1985। इट एम्ड टू रिड्यूस द पॉल्यूशन लेवल इन द रिवर, परंतु बढ़ती जनसंख्या तथा औषधीकरण ने पहले से ही इस महाशक्ति नदी को काफी हानि पहुंचा दी है। However, the increasing population and industrialization have already damaged this mighty river beyond repair. भारत सरकार ने इस महाशक्तिशाली नदी को काफी हानि पहुंचा दी है। Now the government of India has launched a new initiative known as National Mission for Clean Ganga NMCG. भारत सरकार 2016 में एक नए प्रस्ताव का शुभारंभ किया जिसे स्वच्छ गंगा भारत मिशन के नाम से जाना जाता है और इस मिशन के अंतर्गत कार्य प्रगति पर है। तो ये सब तो पढ़ने वाली बातें थी गंगा एक्शन प्लान के बारे में जो कि लॉन्च करा गया 1985 में। गंगा एक्शन प्लान जो कि गवर्नमेंट ने लॉन्च करा 1985 में, और क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पॉल्यूशन प्रदूषण जो बहुत ज्यादा हो रहा था, इसमें गंदगी बहुत ज्यादा हो रही थी इस दीवार में, इसकी वजह से बढ़ती जनसंख्या की वजह से इस नदी में बहुत ज्यादा गंदगी फैल रही थी, बहुत ज्यादा कूड़ा कबाड़ा हो रहा था, जिसकी वजह से सरकार ने एक प्लान लॉन्च किया जिसका नाम है गंगा एक्शन प्लान, गंगा कार्य परियोजना, जिसको इनिशिएटिव नोन एज नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG के नाम से जाना जाता है। 2016 में इसको इस नाम से जाना गया, नेशनल मिशन फॉर गंगा फॉर क्लीन गंगा। इसको साफ करने के लिए एक मिशन करा गया, एक मिशन चलाया गया इसको साफ करने के लिए 2016 में, जिसे कहा गया नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। लेट अस टेक अ स्पेशल एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। आइए इस उदाहरण को समझने के लिए एक परिस्थिति से समझते हैं इस उदाहरण को, स्थिति को भली भांति समझने के लिए एक विशिष्ट उदाहरण लेते हैं। द गंगा एट कानपुर इन उत्तर प्रदेश हैज वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड स्ट्रेचेस ऑफ रिवर, फिगर 18.8। उत्तर प्रदेश के कानपुर में इस नदी का सर्वाधिक प्रदूषण फैलाव है। उत्तर प्रदेश में ये एग्जाम्पल है कि उत्तर प्रदेश के अंदर, ये उत्तर प्रदेश से पास होती भी आती है कानपुर से, तो ये इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये कितनी गंदा कर रखा है, इस गंगा में कितना कूड़ा कबाड़ा फेंक रखा है। अ पॉल्यूटेड स्ट्रेच ऑफ द रिवर गंगा, जो कि कानपुर सबसे ज्यादा गंदी जहाँ होती है ये नदी, वो है कानपुर उत्तर प्रदेश का। कानपुर इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड टाउन्स इन यूपी। कानपुर उत्तर प्रदेश के अत्यधिक जनसंख्या वाले शहरों में से एक है। कानपुर जो है उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट है शहर, तो ये जो है सबसे ज्यादा आबादी यहाँ पर है कानपुर के अंदर उत्तर प्रदेश में। पीपल कैन बी सीन बाथिंग वॉशिंग क्लोथ्स एंड डिफिकेटिंग इन द रिवर, इस नदी में लोगों को स्नान करते, कपड़े धोते तथा मल मूत्र त्यागते देखा जा सकता है। यहाँ पर लोगों को कपड़े धोते हुए, नहाते हुए और
और डिफिकेटिंग यानी मलमूत्र त्यागते हुए देखा जा सकता है। दे ऑल्सो थ्रो गार्बेजिस गार्बेज फ्लावर्स आइडल्स ऑफ गॉड एंड गॉडेस एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलिथीन बैग्स इन टू द रिवर। वे इस नदी में कूड़ा करकट फूल पूजा सामग्री तथा जेब अनिमिनीकरणीय पॉलिथीन की थैलियां फेंकते हैं। तो इतना कूड़ा कबाड़ा फूल और आइडल्स ऑफ गॉड गॉडेस ये सब चीज यहाँ पर फेंकते हैं। और पॉलिथीन, पॉलिथीन एक ऐसी चीज है जो कि बिल्कुल खराब नहीं होती है और ना ही ये बायोडिग्रेड होती है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी ये बिल्कुल गलती नहीं है, ना पिघलती ना गलती है, कितनों भी सालों तक ये जमीन के अंदर दबी रहेगी मगर बिल्कुल भी नहीं गलेगी। एट कानपुर द अमाउंट ऑफ वाटर इज कंपेरेटिवली स्मॉल एंड द फ्लो ऑफ द रिवर इज वेरी स्लो। कानपुर में नदी में जल की मात्रा अपेक्षाकृत कम है तथा नदी का प्रवाह भी अति धीमा है, वहां पर बहुत ज्यादा स्लो चलती है नदी और वहां पर पानी जो है वो भी बहुत कम है इस नदी के अंदर। इन एडिशन कानपुर हैज मोर देन 5,000 इंडस्ट्रीज, दीज इंक्लूड फर्टिलाइजर डिटर्जेंट लेदर एंड पेंट इंडस्ट्रीज, दीज इंडस्ट्रीज यूनिट डिस्चार्ज टॉक्सिक केमिकल्स इनटू द रिवर। इसके साथ ही कानपुर में 5,000 से अधिक औषधीय इकाइयां हैं, इनमें उर्वरक अपमार्जक चर्म तथा पेट की फैक्ट्रियां सम्मिलित हैं। ये औषधियां इकाइयां विषाक्त रासायनिक अपशिष्ट का नदी में विसर्जन करती हैं। तो ये सब इसमें फर्टिलाइजर्स होते हैं जो कि मैंने आपको बताया था एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में, आप मेरी पिछली वीडियो को देखकर देख सकते हैं अगर आपको नहीं पता फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। डिटर्जेंट, डिटर्जेंट जैसे सर्फ, सर्फ एक्सल, वेल, टाइड, ये आम जो होते हैं आम डिटर्जेंट के नाम है, कंपनीज के नाम है जिनसे हम कपड़े धोते हैं। लेदर जो उनमें झाग जो निकलते हैं वो लेदर, एंड पेंट इंडस्ट्री लेदर यानी जहाँ लेदर बनता है, जूते चप्पल वगैरह जैकेट वगैरह वो सब लेदर हो गया। एंड पेंट इंडस्ट्रीज जहाँ पेंट जो घर में जो पेंट होता है ये सब इंडस्ट्रीज वहां पर कहाँ मौजूद है, कानपुर के अंदर। तो ये इनकी वजह से और बहुत ज्यादा गंदी हो चुकी है हमारी गंगा नदी, हमारे कानपुर के उत्तर प्रदेश में कानपुर में सबसे ज्यादा गंदगी इस वजह से और बहुत ज्यादा गंदगी हो गई है इंडस्ट्रीज की वजह से, ये डिटर्जेंट लेदर वाली पेंट इंडस्ट्रीज की वजह से बहुत, ये देख सकते हैं आप इस इमेज में कितनी गंदगी है। ये इंडस्ट्रियल वेस्ट वॉज डिस्चार्ज इनटू अ रिवर, ये कितना गंदगी है, ये सब ये कूड़ा कबाड़ा ये सब इंडस्ट्रीज का है और ये लोगों ने करा, आधा तो इसे लोगों ने गंदा करा आधा इंडस्ट्रीज ने इसे गंदा कर दिया। ये बिल्कुल ही यहाँ पानी कम हो गया और बिल्कुल ही ये गंदगी हो गई। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक प्लान निकाला गंगा एक्शन प्लान, तो उसके बारे में आज हमने जाना। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर लिसनिंग, सो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, प्रेस द बेल आइकन सो डू नॉट मिस एन अपडेट ऑफ एनी एजुकेशनल वीडियो। थैंक यू।